बाल दिवस पर भाषण। आदरणीय महानुभाव, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक व अध्यापिकाएं और मेरे सहपाठियों को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहां स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के जन्मदिन अर्थात बाल दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं इस महान उत्सव को अपने लिए यादगार उत्सव बनाने के लिए बाल दिवस पर भाषण देना चाहती हूँ। हर साल 14 नवंबर को पूरे देश के विद्यालयों और कॉलेजों में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वह बच्चों से बहुत
प्यार और स्नेह करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर बच्चों को बहुत महत्व दिया और वह उनसे बात करना भी बहुत पसंद करते थे। वह हमेशा बच्चों के बीच में घिरे होना पसंद करते थे। बच्चों के प्रति उनके प्यार और लगाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। यह दिन कैबिनेट मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों को शामिल करके शांति भवन में इकट्ठा होकर सुबह के समय में महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करके मनाया जाता है। वे सभी उनकी समाधि पर फूल माला अर्पित करके प्रार्थना और मंत्रों का जाप करते हैं। चाचा नेहरू के निस्वार्थ बलिदान युवाओं को प्रोत्साहित करने
शांतिपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों के लिए हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों द्वारा इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय प्रेरणादायी और प्रोत्साहित करने वाले गीतों को गाया जाता है। स्टेज शो, नृत्य, छोटे नाटक आदि बच्चों द्वारा महान भारतीय नेता की याद में और बच्चों के प्रति उनके प्यार के कारण आयोजित किए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में विद्यार्थियों के भाषण सुनने के लिए भारी भीड़ उपस्थित होती है। पंडित नेहरू हमेशा बच्चों को जीवन भर
देशभक्त और राष्ट्रप्रेमी बनने की सलाह देते थे। वह हमेशा बच्चों को अपनी मातृभूमि के लिए साहसिक कार्य करने और बलिदान देने के लिए प्रेरित करते थे। धन्यवाद। अगर आपको ये भाषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।